IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। देश शहीदों की शहादत को भुला नहीं पा रहा है, गुस्सा आंखों में होठों पर एक ही बात, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद आज गांव चंदपा में 16 फरवरी को पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को लेकर काफी आक्रोश जताया। आतंकियों ने एक ऐसी तकलीफ दी है जो असहनीय है। क्या नाम है आपका? अवनीश राणा। क्या मामला है आपका, ये प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये है कि अभी जो घटना हुई है उस घटना में हमारे देश के सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए हैं। उस घटना के बाद में यहाँ पर जो जितने भी युवा एकत्रित है और युवा में बहुत बड़ा रोष है, उस रोष का ही परिणाम है ये युवा चाहते हैं कि जिस तरह की मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी, ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक और करें और वो देश में करें और वो सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं दो जगह हो, एक देश के बाहर पाकिस्तान के लिए भी और देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों के लिए भी। इस तरह के आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को बार बार कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान है। अगर वो भटके हुए नौजवान है तो ये नौजवान फिर क्या है यहाँ पे जो खड़े हुए? अगर ये नौजवान भटक गए तो इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो आतंकवादी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर ये नौजवान अपनी राह से भटक कर उन आतंकवादियों के सामने हथियार लेके खड़े हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत सरकार की होगी या उन जयचंदों की होगी? इसीलिए हमारा मोदी सरकार से निवेदन है कि देश के अंदर छुपे जयचंदों को और देश के बाहर छुपे गद्दारों को दोनों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, तभी इन लोगों को शांति मिलेगी। अंततः ये भी हथियार लेकर सेना में भर्ती होने को तैयार।